नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल। आज जो हम खबर लेके आए हैं वो आपको झकझोर देगी, आपको रोंगटे खड़े कर देगी। इस खबर को देख आप कहेंगे कि कहां गए वो नेता जो बड़े बड़े दावे करते हैं, कहां गए बीजेपी के वो नेता जो कहते हैं अब भैया यूपी जो है ना सबसे सेफ, यहाँ रात में भी बेटियां निकल सकती हैं, दिन दोपहर में बेटियां निकल सकती हैं, और देखो एक बेटी के साथ क्या हो गया। जो नेता सीएम योगी जी कहते हैं ना कि यूपी बहुत सुरक्षित हो गया, देखिए अब कहते सीएम योगी जी अक्सर कहते दिखते हैं कि कहते हैं कि यूपी में अब बेटियों के साथ कोई छिड़खानी नहीं कर सकता, कोई उनकी इज्जत पे हाथ नहीं डाल सकता, किसी अपराधी को यूपी में बक्सा नहीं जाएगा, और जो अपराधी है वो अगर अपनी जान की सलामती चाहें तो यूपी छोड़ दें। लेकिन योगी साहब पीएम जी देखिए हकीकत क्या है, इस तरह से एक 12वीं की छात्रा का एक सोहदे एक सड़क छाप आसिफ ने क्या हाल कर दिया। लड़के ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, छात्रा ने उसका विरोध किया, तो जो युवक है उसने छात्रा को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। अंजाम क्या हुआ, छात्रा को अपने दोनों हाथ पैर गंवाने पड़े, अस्पताल में भर्ती है, दो दिनों से इलाज चल रहा है, वहीं माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बेटी के जिंदा बचने की खुशी मनाए या अपनी बेटी के इस तरह से लाचार कहें, अपाहिज कहें, या ये कहें कि हमेशा के लिए किसी के सहारे पर आ जाने के लिए गम मनाएं या रोएं। हम आपको उस पिता का वीडियो दिखाते हैं, आप देखिए इस तरह से एक पिता बिलक बिलक कर रो रहा है, अधिकारियों के सामने वो रो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, किस चीज की खुशी मनाए। जिस बेटी की हालत को देखता है तो वो फबक फबक कर रोना शुरू कर देता है। ये एक सुधा संपन्न परिवार है, इसमें जो लड़की की चाची है वो प्रधान है, लड़की का जो पिता है वो सुनार का यानी ज्वेलरी शोरूम है उसके पास अच्छा, चाचा डॉक्टर है, पूरी सुविधा संपन्न परिवार है। उनके पास सुविधा संपन्न परिवार के साथ गांव के एक युवक ने ये हाल कर दिया, उसकी सड़क छाप आशिकी के चक्कर में लड़की आज इस कंडीशन में पहुंच गई कि उसके दोनों पैर काटने पड़े, दोनों हाथ कट गए। ये खबर कहां की है, ये खबर है यूपी के बरेली जिले की। इस खबर को हम विस्तार से बताएं, हम चाहते हैं कि लोग आंखें खोले, जो नेताओं के उसकी पट्टी बांध देते हैं ना कि जो उन्होंने कह दिया बस वही है, उनके लिए लड़ने मरने तैयार होते हैं, ये किसी पार्टी पर हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दावे होते हैं वो जमीन पर कितने हकीकत में असल में दिख रहे हैं ये हम दिखाना चाहते हैं। बड़ी खबर है, आजकल टीवी चैनल आप खोलेंगे तो इसराइल इसराइल चल रहा है, इसराइल ने हमास पर ये कर दिया, हमास ने इसराइल पर ये कर दिया। अरे भैया अपने देश में क्या हो रहा है पहले वो तो देख लो। देखो किस तरह से जहां नेता चुनाव के टाइम आते बड़े बड़े दावे करते हैं कि यूपी में अब रात के 12 बजे भी निकल सकती हैं बेटियां, शाम के वक्त एक बेटी कोचिंग से घर लौट रही थी तब सोहदे ने उसका पीछा किया, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और जब छात्रा ने उसका विरोध किया तो उसका ये हाल कर दिया गया। पिता रो रहा है, घर वाले रो रहे हैं, सब परेशान है कि अब वो करे तो क्या। उनके सपने थे, 12वीं में पढ़ रही थी, बिटिया आगे पढ़कर कुछ उनका नाम रोशन करेगी, अपने सपनों को उड़ान देगी, आज वो बेटी क्या उड़ान देगी जब उसके पंख ही कटे, क्या वो अपने जिंदगी को रफ्तार दे पाएगी जब उसके पैर ही नहीं। लाख सक्षम बन जाए, लाख काबिल बन जाए, लेकिन हमेशा उस बेटी को एक ना एक सहारे की जरूरत पड़ेगी। जो पिता सोच रहे थे कि बेटी उनका सहारा बनेगी, पिता को अब ये चिंता खाई जा रही है कि जब तक वो जिंदा है बेटी का सहारा उनको बनना पड़ेगा, और जब वो मर जाएंगे, जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो उनकी प्यारी प्यारी दुलारी बेटी, जिगर टुकड़ी बेटी को कौन संभाले, कौन उसका ख्याल रखे। इस दृश्य को देखकर आंखें भर आती, एक अच्छी खासी लड़की 12वीं में पढ़ रही थी, खुशहाल थी, हंसी खुशी पढ़ रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन
एकाएक एक सड़क छाप मंजू ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। और ये किस दिन हुआ? ये उस दिन घटना हुई, मंगलवार के दिन ये घटना हुई, और मंगलवार के दिन ही इस बिटिया का जन्मदिन। घर में पार्टी की तैयारियां चल रही थी कि घर बिटिया आएगी शाम को कोचिंग से पढ़कर, केक काटेंगे, बिटिया से कहेंगे अपनी इच्छा मांगो भगवान से, भगवान उसे अगले साल तक तुम्हारी पूरी करेंगे, उसके बाद पार्टी होगा, थोड़ा सा नाच गाना होगा। लेकिन बिटिया देर शाम तक जब घर नहीं पहुंची, तब घर वालों को चिंता होने लगी कि आखिर क्या मामला है। पहले हम आपको बताएं ये घटना क्या है। ये घटना है यूपी के बरेली जिले की। यहाँ के सीबीगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सहोदय ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया। इससे इस हादसे में छात्रा का एक हाथ और दोनों पैर कट गए। आरोपी ने छात्रा के जन्मदिन पर उसे ऐसा दर्द दिया जो उसे जिंदगी भर भुलाए नहीं भूलेगा। मंगलवार को छात्रा का जन्मदिन था और उसने सहेली के घर पर केक काटा था। इसके बाद वो अपने घर लौट रही थी क्योंकि घर पर भी पार्टी थी, लेकिन रास्ते में उसके साथ दिल दहला देने वाली वारदात। इस मामले में पुलिस वालों की भी लापरवाही देखने को मिली है, जिसका पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हुई है, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक बार तफसील से हम घटना बता दें, ये सीबीगंज थाना क्षेत्र के घटना है। यहाँ पर खड़ौवा रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर छात्रा के साथ ये घटना दर्दनाक वारदात हुई। बताया जा रहा है कि शाम को, मंगलवार शाम छात्रा का जन्मदिन था, घर पर तैयारियां चल रही थी, छात्रा कोचिंग गई थी पढ़ने, और वहां से छात्रा बताया जा रहा है कि अपने सहेली के यहाँ केक काटने गई थी कोचिंग से बाद, और वहां से जब वो घर की तरफ लौट रही थी तब उसके साथ ये घटना घटी। इधर घर वालों को इस घटना से पूरी तरह से घर वाले अनजान थे, घर वालों को पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घर वाले बर्थडे की तैयारी में थे, लेकिन जब समय ज्यादा बढ़ता जा रहा था तो उनको चिंता होने लगी कि अभी तक बिटिया क्यों नहीं है। एक मन में उन्होंने था कि हो सकता है बर्थडे है, 12वीं पड़ रही, कई सारे मित्र सहेलियां होंगी, कई दोस्त होंगे, तो हो सकता है उनके साथ बर्थडे मना रही होगी, तो हो सकता है थोड़ी देर में। लेकिन जब ज्यादा देर होने लगी तब उन्हें चिंता होने लगी। लिहाजा उन्होंने जो चचेरा भाई है इस लड़की का, उसे लड़की को खोजने के लिए भेजा कि भाई जाओ देखो कहाँ है। लड़का इधर उधर खोजता रहा, उसे कुछ पता नहीं चला। इस दौरान उसको लोगों से पता चला कि सीबीगंज में खड़ौवा रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर एक छात्रा लवलुहान हालत में मिली है, ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेन से टकराई। शायद चचेरा भाई जो था उसके मन में कहीं ऐसा शंका नहीं था कि उसकी बहन के साथ इतना बुरा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सोचा शायद कुछ कहीं कुछ बाई चांस की संभावना है, कहीं ऐसा तो नहीं वो उसकी बहन ही हो। लिहाजा वो वहां पहुंचा, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इस भीड़ के दौरान उसको अपनी बहन का खून से सना हुआ चेहरा दिखा। वो तुरंत लपक कर अपनी बहन के पास पहुंचा, अपनी बहन के चेहरे को उठाया और गोद पर रख लिया और रोने लगा। वो अपनी बहन की हालत देखकर रो रहा था कि बहन पूरी तरह खून से सनी हुई थी, उसके हाथ पैर बुरी तरीके कटे हुए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इस दौरान किसी की मदद से उसने अपने घर वालों को फोन किया कि ऐसा है, जो बहन है वो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग में पड़ी हुई है और उसकी हालत बहुत खराब है। घर वाले भी तुरंत, जैसे ही सूचना मिली तुरंत ही घर वाले वहाँ पहुंचे और छात्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर छात्रा को भर्ती कराया गया, उसका इलाज शुरू हुआ। इलाज के दौरान जो उसके पैर थे, दोनों पैर इस कंडीशन में नहीं थे कि उन्हें बचाया जा सके, लिहाजा दोनों पैर काटने पड़े, एक हाथ भी छात्रा का काटना पड़ा। अब उसके पास बचा है तो सिर्फ एक हाथ। छात्रा मंगलवार की घटना है, दो दिन से अस्पताल में भर्ती है। गनीमत यह रही कि किसी तरह से उसकी जान बच गई। एक ट्रेन से टकराने का नतीजा आप जानते हैं क्या हो सकता है, 90% लोग होते हैं कि मर जाते हैं, लेकिन इस तरह की जिंदगी या किसी मौत से कम है। पिता क्यों रो रहा है? पिता खुश होना चाहिए, जब बेटा एक्सीडेंट होता है, कुछ हादसा हो जाता है, अगर घर वाले में कोई बच जाता है तो घर वाले खुश होते हैं, लेकिन पिता को समझ नहीं आ रहा कि वो हंसे या रोए इस दशा पे अपनी बेटी की। 12वीं में पढ़ रही है, 4-5 साल बाद बेटी के हाथ पीले करने होते, अच्छा लड़का देखता हो और घर बसाने की उसकी तैयारी करते, लेकिन अब क्या करे पिता? जिस बेटी को वो सहारा मान रहे थे, अब जिंदगी भर उसका सहारा उन्हें बनना पड़ेगा। वहीं इस मामले की खबर तुरंत ही पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने
तुरंत ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। नहीं, इससे पहले ये भी घटना घटी, लड़के जो चचेरा भाई था वहां पे भीड़ में एक कोई लड़का था, प्रदीप के नाम लड़का था, उस लड़के ने उस भाई को बताया कि गांव का जो विजय मौर्य है, विजयपाल मौर्य है, उसने ही इस छात्रा को धक्का दिया और ये ट्रेन से जाके तब टकराई है, तब इसके साथ इस तरह का हालत हुआ। घर वालों ने ये सब हुआ, पुलिस तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल पहुंची। इसी दौरान इस पूरी घटना की जानकारी बताते हैं सीएम योगी को हुई, जिसके बाद सीएम योगी ने इस मामले में एसएसपी से बातचीत की। एसएसपी ने तुरंत ही इंस्पेक्टर सीबीगंज अशोक कुमार, चौकी इंचार्ज दरोगा नितेश शर्मा और बीट सिपाही जो थे आकाशदीप को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इनकी लापरवाही इस मामले में देखने को मिली थी। इसके बाद पुलिस लाइन में तैनात राधेश्याम को सीबीगंज इंस्पेक्टर बनाया गया और उनसे कहा गया इस मामले में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल करो और हमें कार्रवाई चाहिए। इस दौरान डीएम साहब जो डीएम रविंद्र कुमार हैं वो तुरंत अस्पताल पहुंचे, परिजनों से बातचीत की, उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि छात्रा का इलाज का पूरा खर्चा वो उठाएंगे और 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे, लेकिन जो परिवार इतना सुविधा संपन्न हो उसको इस पैसे की जरूरत नहीं है। पिता जो थे वो डीएम का कंधा पकड़कर फपक फपक कर रोने लगे। डीएम उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि चिंता मत कीजिए, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन पिता के आंसू बंद नहीं हो रहे, उसका रोना नहीं चुप हो पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। पुलिस ने जब पिता से पूछताछ की तो पिता ने बताया गांव का एक दूसरी बिरादरी का लड़का है विजय नाम, जिसका है विजयपाल मौर्य, वो आए दिन उनकी बेटी को परेशान कर रहा है, क्योंकि जो उनकी पत्नी है वो ग्राम प्रधान है। छात्रा के मतलब चाचा ने बताया, माफ करना, छात्रा के चाचा ही ने बताया कि जो गांव का एक लड़का है विजयपाल मौर्य, वो अक्सर उनकी भतीजी है उसे परेशान करता था, क्योंकि उनकी पत्नी प्रधान है इसलिए घर वाले इस बात को लेकर शांत रहते थे कि अगर वह कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा कि जात का मामला हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि दबंगई दिखाते हुए पैसे वाले हैं, लिहाजा दबंगई दिखाकर जबरदस्ती उनके बेटे को फंसाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ में राजनीति घुस जाती है। लिहाजा उन्होंने लड़के के घर वालों को और लड़के को समझाया कि ऐसा मत करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन जिसके सर पे आशिकी का भूत चढ़ गया उसे कहाँ चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, उसे समझ नहीं आया, लड़का नहीं माना और लड़के के घर वाले भी उसे समझा नहीं पाए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। हम एक बार आपको लड़के को भी दिखा देते हैं, ये हैं वो आशिक महादेव जिनकी वजह से इस बिटिया को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, पुलिस को सुराग तो मिल चुके थे लेकिन पुलिस के सामने फिर भी कई सवाल थे जिनका अभी भी जवाब पुलिस खोज रही है। पुलिस के आगे सबसे अहम सवाल था कि छात्रा की कोचिंग से जो घटना स्थल की जगह है वो रेलवे लाइन जो है वो करीब 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, ऐसे में छात्रा और वो सुनसान जगह है, वो छात्रा वहाँ करने क्या गई थी, पुलिस के मामले एक सवाल था। दूसरा सवाल था ये वारदात है या हादसा है। ये पुलिस के मन में ये इसलिए आ रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि संभावनाएं दोनों पुलिस संभावनाएं दोनों ढूंढ रही है। पुलिस को है कि ऐसा तो नहीं है कि छात्रा युवक को जानती हो और किसी तरह से युवक ने बहला फुसला कर छात्रा को सुनसान जगह रेलवे क्रॉसिंग के पास ले गया, वहाँ उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, छात्रा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और इस दौरान शायद वो ट्रेन की चपेट में आई। पहला कारण हो सकता है यानी हादसा हो सकता है। दूसरा पुलिस को ये है कि कहीं ऐसा है विरोध करने पर जो युवक है उसने गुस्से में आकर इसको धक्का दे दिया और ये ट्रेन की चपेट में आ गया, ये दूसरा पॉइंट है पुलिस। इन दोनों पॉइंटों को पुलिस ध्यान में रखती इस पूरे मामले की जानकर। इसके अलावा पुलिस जांच में ये देख रही है कि जो कोचिंग सेंटर से रेलवे क्रॉसिंग तक के पास में जो भी कैमरे लगे हैं उनको पुलिस खंगाल रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आरोपी युवक है वो छात्रा से कब मिला और कब से उसका वो पीछा कर रहा है, ये पूरी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब हम आपको बता दें कि जो पकड़ा गया युवक है इसका नाम है विजयपाल और इसके जब सीएम योगी ने फटकार लगाई है तीन लोगों को इसमें मामले में तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, तो इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और विजयपाल मौर्य जो लड़का है आरोपी युवक है और उसके पिता कृष्णपाल मौर्य को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। ये कार्रवाई हुई सख्ती सीएम योगी की सख्ती के चलते।
अब बाकी पुलिस आगे की जांच कर रही है। वहीं पुलिस पूछताछ में, चूंकि अभी लड़की बोलने के कंडीशन में है नहीं, इसलिए अभी उससे पूछताछ नहीं हो पाई है। जब उससे पूछताछ हो गई तो एक तरीके से कहें सारी तस्वीर साफ हो जाए। अभी जो जो घर वालों का आरोप है उनके आधार और जो युवक से पूछताछ हुई है उसमें अलग अलग चीजें सामने आ रही है। जो आरोपी युवक है विजय, उसने क्या कहा है पुलिस से, उसने बताया कि मंगलवार को छात्रा जो थी उसका जन्मदिन था, उसने सहेली के घर पर बर्थडे मनाया और आरोपी युवक ने दावा किया छात्रा उसकी दोस्त है, यानी उसका उसकी दोस्ती थी। उसने छात्रा को एक गिफ्ट भी घड़ी में घड़ी दी थी, बर्थडे वाले दिन गिफ्ट दिया था जो कि एक घड़ी थी। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि छात्रा के साथ उसकी बर्थडे वाले दिन वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी, ये भी उसने कहा है। अब ये कहां तक सही है कहां तक गलत है, ये अब जब छात्रा होश में आएगी तब कंफर्म हो पाएगा। अभी तक तो पुलिस इन बातों को बोल बार नहीं है, क्योंकि पुलिस को कई चीजें जो युवक है वो सही सही बता नहीं रहा है। जो पुलिस को आशंका है वो ये है कि छात्रा को कोचिंग से लौटते समय किसी तरह से ये युवक जो था सुनसान जगह पर जबरन ले गया है, यहाँ पर उसके साथ छेड़खानी की करने की कोशिश की है, छात्रा ने अपने आप को बचाव कोशिश की। इस दौरान जो अपलाइन है रेलवे क्रॉसिंग पे अपलाइन है, वहाँ से जनता एक्सप्रेस की ट्रेन गुजर रही थी और गुस्से में आकर, चूँकि छात्रा विरोध कर रही थी तो गुस्से में आकर शायद इस युवक ने उसे धक्का दिया और छात्रा उस ट्रेन की चपेट में आ गई, ये आशंका जताई जा रही है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं छात्रा के पिता ने बताया कि आरोपी के चंगुल में फंसने के बाद एक अहम बात यह है कि जब ये शाम को पूरा घटनाक्रम हो रहा था तो पिता ने बताया है कि आरोपी जब लड़के के भी चंगुल में फंस गई थी बेटी, तो उसने शाम के करीब 7 बजे के आसपास उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने बेटी ने कहा पापा मुझे बचा लो, लड़के छेड़ रहे हैं। इससे पहले वो पूछते कि कौन लड़के हैं, कहाँ पे हैं, तो कहाँ पे है, तो लड़की ने बस इतना बताया कि वो गांव में भट्टे के पास जो खेत है वहां पर है। इससे पहले और कुछ बता पाती फोन कट गया। बेटी की बात सुनकर पिता, जो कि बेटी घबराई हुई थी, बेटी की बात सुन पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं गलत हो जाए, लिहाजा पिता तुरंत ही बेटी को खोजने के लिए भट्टे वाले जो गांव भट्टा था वहां पर जो खेत थे वहां पहुंचे अपने घर वालों के साथ, लेकिन वहां पर उन्हें कोई नहीं हुआ। इसके बाद फोन लड़की के जो बिटिया थी उसके मोबाइल पर कई बार कॉल की लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद सभी घर वाले कुछ अनहोनी के चलते, डर के चलते तुरंत ही थाने पहुंचते हैं। थाने जो है सीबीगंज नाम है, वहां पहुंचते हैं। हाँ, सीबीगंज, यहां पर इंस्पेक्टर मिलते हैं अशोक कुमार। अशोक कुमार मिलते हैं, उनसे घटना के बारे में बताते हैं कि भाई ये ऐसा मेरी बेटी के साथ हो जाएगा। तो पुलिस जो दरोगा है उन्होंने तुरंत ही ये नहीं सोचा कि चलो बेटी की तलाश पहले की जाए, बाद में कागजी कार्रवाई होगी। उन्होंने हल्का दरोगा जो थे नितेश शर्मा और बीट सिपाही आकाशदीप के हवाले कर दिया कि हाँ इनसे मिलो, इनको बताओ अपनी घटना को। करीब 1 घंटे तक पुलिस वाले घर वालों से इस बारे में बेटी का हालचाल, हुलिया, किस पे शक किस पे नहीं, ये सब में पूछताछ में रहे, लेकिन तलाश के लिए नहीं निकले। जबकि कंडीशन बताई उन्होंने कि ये मामला हो है, हमें बेटी का फोन आया, मामला मैटर सीरियस है, बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस अपने रोजमर्रा के ढर्रे पर चढ़ी कि भैया कागज जो प्रोसीजर होता है हम उसी पर चलेंगे, जिंदगी किसी की जाए तो जाए लेकिन हम नहीं। जब 1 घंटे तक पूरी कार्रवाई होती रही, इसी बीच रेलवे से थाने में एक मेमो आया कि एक क्रॉसिंग के पास एक छात्रा को गंभीर रूप में पाया गया है जो गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई में तेजी की दिखी, पुलिस के लोग तुरंत पहुंचे। वहीं जो चचेरा भाई था उसका भी घर वालों के पास फोन आ गया, तो ये कन्फर्म हो गया कि जो छात्रा घायल अवस्था मिली है वो उनकी बेटी। इसके बाद पुलिस वालों को भी होश फंकता हो गए, उन्हें लगा अब मामला गंभीर हो गया, लेकिन घर वाले पहुंचे, तुरंत अस्पताल लाए, इलाज शुरू हुआ और
जब मामला खुला कि हाँ पुलिस वालों की लापरवाही है, तो इन तीनों को अशोक कुमार दरोगा जो हल्का थाना इंचार्ज थे, इसके अलावा हल्का दरोगा नितेश शर्मा और बीट सिपाही आकाशदीप को सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। इसके अलावा जो आरोपी विजय पाल है जो दूसरे दरोगा बनाए गए पुलिस लाइन से, उन्होंने तुरंत ही विजय पाल और उनके पिता कृष्णपाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। अब उनसे पूछताछ चल रही है। अब छात्रा का परिवार का जो पुलिस का सबके मन में एक बार यही सवाल हो रहा है कि छात्रा के परिवार ने आखिर पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की कि जब उसके साथ छेड़छाड़ होती। तो छात्रा के परिवार गाँव में काफ़ी संपन्न है, छात्रा के ताई गाँव की प्रधान है और ताऊ डॉक्टर है यानी चाचा डॉक्टर हैं, चाची जो है गांव की प्रधान है, पिता ज्वेलरी शोरूम है उनका दुकान है, साथ ही वो अपनी भाभी के प्रधानी से जुड़ा कामकाज देखते हैं। छात्रा के एक और चाचा हैं, वो वकील हैं और पहले जिला पंचायत सदस्य थे, तो सब संपन्न थे। परिवार के मुताबिक उन्हें ये लगा युवक की दूसरी जात से बिलोंग रखता था, तो उन्हें लगा कि अगर वो कुछ उससे कुछ कहेंगे या दबाव डलवाएंगे पुलिस से कहीं, तो ऐसा ना हो कि गांव में ये हो जाए कि देखो दबंगई का लोग आरोप फट से लगा देते कि दबंग लोग हैं और परिवार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने सीधे घर वालों से ही बात की कि ऐसी शिकायत है, अपने बच्चे को समझा, लेकिन घर वालों ने एक नहीं सुनी और अपने बच्चे को नहीं समझाया और उसका अंजाम इस छात्रा को, इस बारहवीं की छात्रा को भुगतना पड़ रहा है अपने अमूल्य अंगों को खो, दो पैर कट गए हैं, एक हाथ भी गवा चुकी है ये छात्रा, अब एक हाथ बचा है। अब जिंदगी कितनी कठिन है, जब आपकी शरीर सलामत होता है तब आपको लगता है जिंदगी बहुत कठिन है, अब इस लड़की से पूछिए उसके लिए कितनी जिंदगी कठिन है। इसी वजह से पिता रो रहा है, उसको खुशी है कि उसकी बेटी की जिंदगी बच गई, लेकिन उसको ये पता है कि अब उसकी बेटी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। उसकी बेटी बहुत सक्षम है, बहुत पढ़ने में तेज है, सब कुछ अच्छा है, बहुत आगे चल के नाम कमा लेगी, लेकिन हमेशा उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। अब वो सब कुछ अपने हाथ से नहीं कर सकती, उसे एक न एक सहारा चाहिए ही चाहिए। पिता इस चिंता में भुला जा रहा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो तो सहारा है, लेकिन उसके बाद कौन उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। एक सड़क छाप मंजू की चंद दो दिनों के प्यार के चक्कर में एक लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, तो योगी साहब आपका बुलडोजर अब कह दे डर नहीं रहा लोग, बुलडोजर से बात अब आगे निकल गई। ऐसी सजा बनानी पड़ेगी, ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि एक जिस सड़क छाप मंजरी वो आशिक होते हैं जो स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होकर अपने आप को बड़ा शाहरुख खान समझते हैं, उनको आंख उठाकर भी देखने में एक बार डर लगे कि हम क्या होगा, इसकी सजा हमको भुगतने के लिए हम तैयार नहीं। जब तक इस तरह के मामला नहीं होगा, जिस तरह इस तरह की सख्ती नहीं होगी, आए दिन कोई ना कोई बेटी बहू माताएँ छेड़छाड़ के शिकार बाजार में होती रहती, क्योंकि लोगों को डर नहीं, ज्यादातर क्या होगा पुलिस पकड़ लेगी जेल में डालेगी कुछ दिन बाद जमानत हो जाएगी खत्म कहां। ये तो इस लड़की के साथ इतना बड़ा मामला हो गया, वरना क्या होता, ज्यादातर छेड़छाड़ का आरोप लगता कुछ दिन बाद छूटछाट करते खत्म। जो आजकल के लड़के हैं ना, जब तक उनको कड़ी सजा नहीं दिखती, उनको दिखता नहीं कि भैया ये अंजाम बहुत बुरा बुरा होगा, तब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आती, तब तक उनके दिमाग से ये आशिकी का भूत नहीं निकलेगा जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। देखिए इस वीडियो को देखिए और आप जरा सा कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। एक पिता किस तरह से लाचार हुआ पड़ा है उसकी कल्पना नहीं आप कर सकते। और ये वो आशिक महोदय है जिनकी वजह से ये सब हुआ है। एक पिता बिलक बिलक कर रो रहा है, इतना सुविधा संपन्न है, सब कुछ किसके लिए है, उसकी बेटी के लिए ही है, लेकिन अब क्या करेंगे। उसने सोचा था बेटी नाम कमा के आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ाएगा सब चीजें, लेकिन अब क्या, कैसे संभाले पिता अपने आप को अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर। एक पिता के सबसे करीब बताया जाता है बेटी होती है, छोटे से लेकर बारहवीं तक बेटी करीब, आजकल 16 से 17 साल की उसकी उम्र होगी, 17 से 18 साल की उम्र होगी, जब से उसके लिए सपने देखता आ रहा है, उसके मुस्कुराहट पर मुस्कुराता है, उसके रोने पर रोने लगता है। आज बेटी को इस दर्द में, इस पीड़ा में देखकर एक पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है।
कोई नहीं कल्पना कर सकता। मन एकदम क्या कहे, लगता है जैसे हाथ को कांटों पर रख दिया। ये हाल है इस पिता का। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट करके हमें बताएं, और इसी तरह की जो भी अन्य खबरें हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।